कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हमारा टॉपिक नाउन और उसके काइंड्स कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन किस तरह करेंगे जी? अब कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एज वन होल। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं जी? कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि किसी पर्सन या किसी थिंग्स की कलेक्शंस या उनके नंबर्स को जब हम एक कलेक्टिवली इकट्ठा लेते हैं और इकट्ठा उनको एक नाम दे देते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। दोबारा इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा जी। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एज वन होल। सॉरी, कलेक्शन ऑफ पर्सन, अशखास का या चीजों का जो एक मजमुआ होता है, उस मजमुए को जो हम एक इकट्ठा नाम दे देते हैं वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स क्राउड, टीम, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, पार्लियामेंट, नेशन, आर्मी, फ्लॉक एक्सेट्रा। जब हम देखते हैं कि जी 10, 12, 15, 20 बंदे एक खास तरतीब से एक खास वर्दी पहने हुए चल रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जी वो आर्मी जा रही है। अब आपने एक बंदे की बात नहीं की, आपने उस पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया आर्मी। जब 10-12 बंदे एक जगह पर एक रूम में बैठकर किसी बात पर कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम उसको इकट्ठा नाम दे देते हैं कि जी मीटिंग हो रही है। इसी तरह अगर आप किसी जगह पर देखें कि सामने भीड़ लगी हुई है, चंद बंदे इकट्ठे हुए हैं, आप यहाँ से खड़े होकर कहते हैं कि वो सामने क्राउड किस चीज का। अब आपने वो जो 10, 12, 15, 20 बंदे इकट्ठे खड़े हुए हैं, आप उसको इकट्ठा एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? क्राउड। इसी तरह कलेक्टिव नाउन में और काफी लर्ब्स क्लॉब, ब्लीच, फैमिली, पार्लियामेंट, नेशन, आर्मी, ये सारे कलेक्टिव नाउन की साउंड है। नाउ वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज का नाम है जिसका कोई जिस्म नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये किस किस का नाम होगा? किसी चीज की, किसी शख्स की क्वालिटी का नाम, किसी चीज या किसी शख्स के एक्शन का नाम, किसी चीज या किसी शख्स के स्टेट का नाम, उसकी हालत का जो एक नाम होगा उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स किस तरह? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की एग्जांपल्स में हम क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के हवाले से बताएंगे। मसलन ऑनेस्टी, काइंडनेस वगैरह, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जांपल्स ऑफ quality. When we talk about the action, the name of action, laughter, movement, hatred, these are the actions, but these are the abstract noun. When we talk about the name of a state, state means childhood, sleep, slavery, youth, poverty, these are all abstract noun. Do you understand? Now, How we form abstract noun? हम abstract noun किस तरह बनाते हैं? Abstract noun सबसे पहले बनाया जाता है formed by adjective. Formed by adjective. Kindness form by kindness form by hatred form hate. Formed by verb. Growth from growth,
उसे बना दिया चाइल्डहुड। स्लेवरी फ्रॉम स्लेव, स्लेव एक कॉमन नाउन है और उससे हमने बना दिया स्लेवरी। इसी तरह यंग है, यंग से हमने बना दिया यूथ। सो लेट मी टेल यू अगेन अबाउट अवर टॉपिक। दिस टॉपिक वाज नाउन एंड इट्स काइंड कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पिछले लेक्चर में नाउन बात करने कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर। कलेक्टिव नाउन बन जाता है। ये एग्जांपल लिखी हुई है और बेशुमार एग्जांपल हैं, क्राउड, टीम, फ्लीट, ज्यूरी। टॉपिक और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।